नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चैनल्स। मिस्टर सप्रवाल, पेशेंट की केस हिस्ट्री हमें मिल गई है एंड वी स्टार्टेड प्रोसेस इमीडिएटली। डॉक्टर साहब, हम पूरी कोशिश करेंगे मिस्टर सप्रवाल। हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ जतिन, हॉस्पिटल पहुंच गए? हाँ बस अभी। डॉक्टर्स क्या कहते हैं? उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। आई होप सब कुछ ठीक हो जाए। एनीवे, मिलकर बात करते हैं। मैं 20 मिनट में पहुंचता हूं। व्हाट? आर यू क्रेजी? कोई जरूरत नहीं है यहां आने की। स्वाति, वहां इनविटेशन पर चीफ गेस्ट की जगह मेरा नाम प्रिंट है, बैनर्स पर छप चुका है, मीडिया में आ चुका है। ऐसे में अगर मैं बुक लॉन्च पर नहीं पहुंचा, इट्स गोना बी वेरी बैड फॉर योर पब्लिकेशन इमेज। आर यू श्योर? स्वाति, ये सब इतना अचानक। फिर सोच लो। यस, मैं आ रहा हूं। Friends, it is indeed a matter of pride that such a big and successful personality like Mr. Jatin Sabharwal is present here. मैं Mr. Sabharwal से request करूंगा कि वो यहाँ आए और अक्स के बारे में हमसे कुछ share करें. Ladies and gentlemen,
मिस्टर जतिन सबरवाल। थैंक यू मिस्टर देव, दिल से खुशी हो रही है यहां आकर। मेरे डैड कहा करते थे कि अच्छे दोस्त मिलना मुश्किल है और सच्चे दोस्त मिलना उससे भी मुश्किल। टुडे वी आर इन द नेट एज, आज हमारे पास हजारों सोर्सेज ऑफ कॉन्टैक्ट हैं। नेट पर जाइए, सोशल मीडिया में सर्च कीजिए और हजारों दोस्त हाजिर। इन शॉर्ट, आज दोस्त बनाना सबसे इजी काम है। पर डैड की वो बात आज भी उतनी ही मायने रखती है जितनी कभी हुआ करती थी, कि एक सच्चा दोस्त है जो कल भी इजीली अवेलेबल था, आज भी है और कल भी रहेगा। किताबें, किताबें जो कभी हमारा अकेलापन दूर करती है तो कभी हमें सही रास्ता दिखाती है, कभी हमें गलत होने से बचाती है तो कभी हमें सही होने की इंस्पिरेशन देती है। अ कंप्लीट ट्रू फ्रेंड, बुक्स। मैं इस नॉवल के राइटर पंछी को अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि यह नॉवल हमें हमारा असली अक्स दिखाएगा। तो आइए इस किताब की कुछ लाइंस पढ़कर कुछ दूर इसके साथ चले। मैं पंछी हूं, छोटी छोटी उड़ाने भरती पंछी, वो उड़ने के बहाने ढूंढती पंछी। मैं पंछी हूं। किस्मत की एक अजीब दास्तान सुनाती पंछी, अपने हाथों से अपने पंखों को काटने की कहानी सुनाती पंछी, हालात का एक अलग ही अक्स दिखाती पंछी। पंछी की कहानी सुनाती पंछी, मैं पंछी हूं। मुझे पंछी से मिलना है अभी। कहाँ मिलेगी वो, एड्रेस क्या है उसका? पर बात क्या है जतिन, ये अचानक तो। सॉरी प्लीज, मेरे पास टाइम नहीं है ये सब बताने का। मुझे पंछी से मिलना है, कहाँ मिलेगी वो, एड्रेस क्या है उसका? आई डोंट नो। व्हाट डू यू मीन यू डोंट नो? राइटर है तुम्हारी, बुक पब्लिश की है तुमने, उसकी मिली होगी, बात की होगी, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होगा, हजार तरह की दूसरी ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज हुई होंगी, उसमें नाम नंबर एड्रेस कुछ तो होगा तुम्हारे पास। क्या मतलब नहीं है? हमारे पास कोई डिटेल्स नहीं है, ना ही कोई पंछी को जानता है। ये अक्स की स्क्रिप्ट हमें कुरियर से मिली थी और हमारा क्रिएटिव डिपार्टमेंट मिस्टर दिबाकर हैंडल करते हैं। उनको ये स्क्रिप्ट अच्छी लगी, बुक पब्लिश करने का डिसीजन उन्होंने लिया। इनफैक्ट मैंने तो खुद अभी तक ये किताब नहीं पढ़ी। मुझे इस दिबाकर से मिलना है अभी। मैम, राइटर पंछी का बस एक ही पोस्ट बॉक्स नंबर है, बाकी सारी ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज उसी पोस्ट बॉक्स नंबर के थ्रू हुई हैं। मुझे वो पोस्ट बॉक्स नंबर चाहिए। यस मैम, 19567, मुंबई का ही ये पोस्ट बॉक्स नंबर है, किसी लक्ष्मी नगर एरिया के आसपास। जतिन वेट, थैंक यू। ओके, हम दोस्त हैं और एक दोस्त होने के नाते मेरा इतना तो हक बनता है कि मैं पूछूं, तुम इस पंछी को कैसे जानते हो? उससे मिलने को इतने बेचैन क्यों हो? उसे लेकर तुम इतना मिस्टीरियसली बिहेव क्यों कर रहे हो? स्वाति, ये किताब पढ़ लो, तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब इसमें मिल जाएंगे। नाउ आई गॉट टू गो। यस डैड। जतिन कहाँ हो? डैड मैं यहाँ पे। यहाँ होना चाहिए। ठीक है डैड, I'm coming. Hey,
समर्पित मेरे प्यारे खरगोश को। मुझे याद है, एक बार कहा था उसने, जिंदगी हर पल बदलती है और हर पल में सब कुछ बदल कर रख देने की ताकत होती है। पर शायद वो नहीं जानता था कि तकदीर गुजरे हुए कल और आने वाले कल के बीच का ही दूसरा नाम है। किस्मत इन दो पलों के बीच में ही अपना फैसला सुनाती है, और हमारी किस्मत का फैसला तो कब का हो चुका था। और उस दिन हिमाचल के उस पुलिस स्टेशन में तकदीर अपनी पहली दस्तक दे भी चुकी थी। जे उमर और जे जुलम, ऊपर वाला भी के करे है। तो इधर के करने आया है? रिपोर्ट लिखवाने आया था। तू बोल सके? अरे बिल्कुल बोल सकता हूँ। और तू सुन भी सके? बहुत अच्छी तरह से। तो अभी तक गूंगे बहरों की तरह इशारे क्यों कर रहा था? क्योंकि आप इशारों में बात कर रहे थे, मैंने सोचा कि आप गूंगा हूँ। भाई हम तो पान खा रहे थे। जो एक ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर के मुंह में नहीं होना चाहिए पब्लिक से बात करते हुए, राइट? पुलिस ऑफिसर मनोज कुमार। के रिपोर्ट लिखानी है तूने? सर वो बोल बोल। मेरा कैमरा खो गया है सर। तो फोटोग्राफर हो? नहीं सर, लॉ का स्टूडेंट हूँ। फोटोग्राफी का सिर्फ शौक है, सोचा कोई खूबसूरत जगह जाऊं। पर सर मुझे पता नहीं था कि हिमाचल भी दूसरे जगहों की तरह सुरक्षित नहीं है। कौन बोला ऐसा? हिमाचल सुरक्षित है? तुम्हारा कैमरा खोया है, चोरी नहीं हुआ है। सर क्या गारंटी है? हो सकता है किसी ने चोरी किया हो। हो ही नहीं सके, तुम्हारे शहर में ऐसा होता होगा, हमारे यहाँ नहीं। हमारे शहर में मेहमान को भी भगवान समझा जाए। और भगवान के सामान पे हाथ साफ? कोई साफ नहीं हुआ है, मिल जाएगा तुम्हारा सामान। नाम बोलो। कैनन DSLR। CANON DSLR। नाम बड़ा अलग है तुम्हारा। सर ये मेरा नाम नहीं, ये कैमरे का नाम है। मैंने तुम्हारा नाम पूछा है। तो ऐसे कहिए ना सर, जतिन सबरवाल। पूरी डिटेल दो, किधर गए थे, कब गए थे, क्यों गए थे, सब बोलो। हाँ, सर एक मिनट, पान थुकवा दिया। दारा, ए दारा, कहाँ मर जाता है। तुम इधर ही बैठो, मैं जरूरी काम करके आता हूँ। दारा, ए दारा, सब ठीक है ना? तेरा मैसेज मिला मुझे होटल में कि तू यहाँ पे, लेकिन तू यहाँ पे क्या कर रहा है? हेलो, तुझसे बात कर रहा हूँ यार। यार गुल्लू। हाँ क्या हुआ? तू यहाँ पे क्या कर रहा है? कहाँ पे? ये नाना नानी पार्क में। अरे यहाँ पुलिस स्टेशन में क्या कर रहा है? यार ये मैं रिपोर्ट लिखवाने आया था। रिपोर्ट किस चीज की? वो कैमरा खो गया मेरा। कब? कल। तेरा कैमरा कल खोया और तू मुझे आज बता रहा है? अरे कब बताना तुझे, तुझे कभी फुर्सत मिलती है पीने से? गुण, 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 गुण। हाँ, तो मैं तो यहाँ पे मस्ती करने आया हूँ ना, और बियर पीना मस्ती करने में ही आता है, इसलिए यार मैं वो तेरी तरह वो जंगली जानवर की फोटो नहीं खींचना चाहता। तू खींच भी नहीं सकता, चल चल। क्या कर रहा है यार? अरे तू चलना सुन, सुनना यार क्या कर।
ओए कैमरा क्या मेरा कैमरा तूने तो कहा था तेरा कैमरा अरे तुम इधर हो मैं वहां देख रहा था अजीब हो सर मेरा कैमरा मिल गया यहीं पे इसी टेबल पे ये कैमरा तो एक लड़की देकर गई है बोल रही थी उसे चमेरा लेक के पास मिला है हाँ मैं कल गया था वहाँ पे बोला था ना मैंने कि तुम्हारा कैमरा मिलेगा वो भी खोया हुआ ना कि चोरी किया हुआ मैम वो लड़की वो कौन कौन थी क्या मालूम कौन थी वो आई कैमरा जमा किया और चली गई हाँ ठीक है पर नाम पता कुछ तो पूछा होगा आपने वो कैमरा लौटाने आई थी कोई चोर थोड़ी ना थी वो करेक्ट अरे यार तुझे तेरा कैमरा मिल गया ना अब चलना थैंक यू वो लड़की ने मेरा कैमरा लौटाया थैंक यू तो बनता है ना अब दुकान अरे थैंक यू हमारे को बोल दे जब कभी वो लड़की हमारे को मिलेगी तो ट्रांसफर कर देंगे क्यों कुमारी यस सर हाँ ये बिल्कुल सही कहा बिल्कुल सही कहा हिमाचल पुलिस को सेवा का मौका देने का शुक्रिया हुआ है ये क्या
हेलो हेलो हाँ जतिन, अरे कहाँ है यार तू, कब से तेरा फोन ट्राई कर रहा हूँ, सुन फ्लाइट का टाइम हो गया, जल्दी आ। हेलो जतिन, आ रहा हूँ यार। थैंक यू वेरी मच। अरे देव, कांग्रेचुलेशन सबरवाल। थैंक यू सो मच, थैंक यू। नमस्ते भाभी जी, कैसी हैं आप? नमस्कार जी, नमस्कार। तो भाई इसने मार ही दिया एक और सिक्सर है, ये केस भी जीत गया। सच कहूं तो इस बार मैं श्योर नहीं था भाई, इतना बड़ा केस और सभी लोगों की नजरें इसी केस पर लगी हुई थी, लेकिन इसने कर दिखाया। आई एम रियली हैप्पी एंड प्राउड। वैसे ना सबसे ज्यादा लकी तो इसके क्लाइंट्स हैं जिन्हें इतना अच्छा वकील मिल जाता है। अरे भाई, वकील दो तरह के होते हैं, एक वो जो कानून जानता है और दूसरा जो जज को जानता है। ये लीना। अरे भाई स्वाति नजर नहीं आ रही। बस आती होगी। वन मोर। ओ गुल्लू, हाँ बस कर, फट जाएगा। देख फटे तक पी, फिर फटे तक जी, फिर फटे तक जी, फिर फटे तक पी। और वैसे तुझे क्या प्रॉब्लम है, तेरे बाप की थोड़े ना पी रहा हूँ। हाँ मेरे बाप की ही पी रहा है। अच्छा देख, तेरा बाप मेरा बाप, तो अगर मैं अपने बाप की पी रहा हूँ तो तेरे बाप का क्या जाता है। हाय जतिन। स्वाति, वापस कब आई? अमेरिका से कल रात को, और पार्टी में बस थोड़ी देर पहले। हाय हाय मोटू। हाय, चलो ऊपर चल के बात करते। चीयर्स। क्लास चेंज कर यार। अरे भैया बच्चे बड़े हो गए हैं, तो उन्हीं की मर्जी से चलना पड़ता है। मिस किया तुम्हें। दो दोस्त, दोनों बेकार। एक अमेरिका में जाके बैठ गई और दूसरा फट्टे तक जी, फट्टे तक पी। यार दिल की बात किससे शेयर करूं? क्यों, अभी तो कोई आई नहीं लाइफ में क्या दिल की बात शेयर करने वाली? शायद अभी तक नहीं आई। नहीं, कोई है तो अभी बता दो, क्योंकि वहां मेरे और तुम्हारे पेरेंट्स हमारी शादी की बात कर रहे हैं। नो वेल, वॉन करना तो मेरा फर्ज था यार, तो मना कर दो। व्हाई शुड आई, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम जाकर बोलो ना। यानी तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है? नो, पेरेंट्स हैं, जो सोचेंगे हमारे लिए अच्छा ही सोचेंगे। और वैसे भी मैं एक प्योर इंडियन कल्चर लड़की हूँ, माँ बाप का आदेश मतलब भगवान का आदेश। दो, आदर्श नारी। देखो मुझे अपना लॉ कम्प्लीट करना है और तुम्हें अपना कोर्स, मुझे इन चक्रों में नहीं पढ़ना है अभी। तो जाओ, जाके केस फाइल करो अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट, प्रोटेस्ट करो, अपने हक की लड़ाई लड़ो, शायद जीत जाओ। क्या हुआ? बड़ा अजीब सा टेस्ट है। हाँ? वोडका ऐसे ही होता है। जतिन, Congrats, Dad. Thanks. You know, son. 25 साल का था मैं जब मैंने पहली बार तुम्हारी माँ को देखा था। वो किसी दुकान में कुछ खरीद रही थी, उसे देखते ही न जाने क्या हुआ मुझे कि पहुंच गया उस दुकान में तुम्हारी माँ के पास, और जानते हो मैंने जाकर उसे क्या कहा? मुझसे शादी करोगी क्या? हाँ, और यही नहीं, मैंने उसका हाथ भी थाम लिया। क्या बात कर रहे, ऐसे ही डायरेक्टली? डायरेक्टली। डैड फिर क्या हुआ? फिर बेटे कुछ अजीब सा हुआ। मैंने तुम्हारी मां का हाथ थामा हुआ था और कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि उसकी उंगलियां कौन सी हैं और मेरी उंगलियां कौन सी। मैंने तुम्हारी मां से कहा, एक चांद आसमान में है और एक मेरे सामने, क्या तुम मेरे घर की इज्जत बनोगी? बस दैट्स इट। वाओ डैड, थोड़ा फिल्मी है ना।
हाँ फिल्मी तो है भाई। वाओ पर डैड आपको देखकर लगता तो नहीं कि आप भी कभी रोमांटिक हुआ करते थे। अबे ओए दूं क्या एक। पर डैड इट्स वेरी अनफेयर, आपने तो कमाल की लव स्टोरी बनाई है और मुझे आप स्वाति के पल्ले बांध रहे हो। ऐसा मत करो, मैंने कभी उस नजर से देखा नहीं उसको, ऐसे बात नहीं की मैंने। अरे बेटे मैं नहीं बांध रहा हूँ पल्ले, वो तुम्हारी माँ बांध रही है, वो तुम्हारी शादी के पीछे पड़ी हुई है। खैर मगर तुम टेंशन मत लो, तुम अगर कुछ और दिन एंजॉय करना चाहते हो तो शौक से करो और जब मूड करे तब शादी कर लेना। थैंक यू डैड। सुनिए द होम मिनिस्टर इज कमिंग। अब क्या सारी रात यही गुजारने का इरादा है? फिनिश इट अप एंड गो टू स्लीप। होम मिनिस्टर जी आते हैं? नहीं अभी, राइट नाउ। डिक्टेटर साहिबा पहले से खत्म तो कर लेने दीजिए। मैंने कहा ना चलिए। ओके बेटा। अच्छा सुनो, कल वो मेहता के केस की हियरिंग है, तुम भी रहना मेरे साथ। ओके गुड नाइट। गुड नाइट डैड। हिमाचल की वो मुलाकात शायद वक्त के साथ साथ कुछ दिनों बाद उसकी जिंदगी की कोई खूबसूरत याद बन के रह जाती। अगर तकदीर ने हमें फिर से नहीं मिलाया होता, अगर उस दिन एक बार फिर मैं उसके सामने नहीं आई होती। अरे यार गुल्लू किधर है यार, पिछले एक घंटे से इंतजार कर रहा हूं। ठीक हो गए, हम मिले एक बार फिर मिले, पर ऐसे मिलेंगे ये ना मैंने सोचा था ना उसने। वो जो लड़की उधर ऑरेंज में खड़ी है ना, पास ऑन करो ना कि मुझे उसे मिलना है। अरे भाई साहब वो जो वहाँ ऑरेंज ड्रेस में लड़की खड़ी है ना, इन भाई साहब को उनसे मिलना है, आप जरा आगे वाले को बोल दीजिए। उनको मिलना है, उनको मिलना है, मिलना है, मिलना है, मिलना है। क्या हुआ? मिलने का है। देखना तो चाहिए, ये लो पेपर। लिख दे कि मुझसे दूर रहे। थप्पड़ खाएगा भाई साहब, बचो। प्रॉब्लम क्या है, क्यों पीछे पड़े हो? बात करनी थी आपसे। मतलब? वो हिमाचल में? अरे हिमाचल में क्या? मेरा कैमरा। अरे क्या कैमरा? आपने लौटाया था मेरा कैमरा वो पुलिस स्टेशन में। तो आपकी वजह से मुझे अपना कैमरा वापस मिला। तो थैंक यू कहना था आपको। तेरा मतलब है हिमाचल से मुंबई, तू मुझे थैंक यू बोलने को आया? नहीं नहीं मैं तो इधर मुंबई में रहता हूँ जुहू के पास। इंतजार कर रही हूँ। किस चीज का? अरे तेरे थैंक यू बोलने का और किस चीज का? थैंक यू।
हो गया, बोल दिया थैंक यू। तो अब मुझे लगता है मेरे पीछे आने की तेरी कोई वजह नहीं है, करेक्ट? तो मैं जा रही हूँ उधर और तू निकल उधर, चल। सुनिए सुनिए, अरे ऑटो वो हिमाचल में ना मैंने आपकी कुछ तस्वीरें ली थी, बहुत अच्छी आई हैं, देखना चाहेंगी? ते गलत जगह ट्राई करेगा ना तो टाइम ही खराब करेगा अपना, ये बचकाना हरकत है किसी और के साथ जाके आजमाना, कोई ना कोई तो सेट हो ही जाएगी, समझा? और आज की बात मेरे पीछे मत आना तुम। अरे बरखा चल, चल चल तो ये लड़की पहली बार तुझे हिमाचल के पुलिस स्टेशन में मिली, नहीं सिर्फ दिखी। हाँ। और दूसरी बार वहां के किसी मार्केट एरिया में दिखी, जहां पे दोबारा तूने उसे देखा। हाँ। और तीसरी बार आज यहाँ मुंबई में मिली, जहां पहली बार तुम दोनों ने एक दूसरे को देखा। देखा और देखते ही उसने कहा कैच की बात दिखाई मत देना। बोला ऐसा कहा उसने? अरे कहा तो यही था यार। तो नहीं मतलब इतना कुछ हो गया तो उन्होंने मुझे बताया नहीं। क्या बताता यार, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। इनफैक्ट मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि जो हो रहा है वो क्या हो रहा है। हिमाचल के उस पुलिस स्टेशन में जब मैंने उसे पहली बार देखा तो कुछ हुआ, कुछ कुछ अजीब सा, कुछ ऐसा कि बस हुआ। इतना पता है कि दिल की धड़कनें कानों में सुनाई देने लगी थी। मैं उसे देखता रहा, दिल कर रहा था कि मैं उसे देखता ही रहूं। और फिर जब वो चली गई तो सब खत्म। एक बात बोलूं, ये सब मैंने फिल्मों में सुना है कि पहली बार एक लड़का एक लड़की को देखता है और बस उसके प्यार में पड़ जाता है, लेकिन यार तेरे साथ तो एक्चुअल में ये सब हो रहा है। जब दिल काम करता है ना हाँ? तो दिमाग नहीं करता। अबे वो सब तो ठीक है, लेकिन अब तू क्या करेगा, कहाँ ढूंढेगा उसे? उसकी दोस्त ने ना हाँ? उसको बरखा बुलाया था। तो सर्च करते हैं। डैड। जी डैड। कहाँ बेटे? डैडी ऑफिस वाले फ्लैट पर। बेटे वो आसम अंकल है ना, उनके दोस्त मिस्टर शेट्टी किसी प्रॉपर्टी केस में उलझ गए हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम फौरन कमिश्नर के दफ्तर जाओ और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो। ठीक है डैड। आप लोग बेफिक्र रहिए, मैंने आप लोगों की फाइल पहुंचा दी है और पर्सनली भी मामला फिट कर दिया है। अब चिंता की कोई बात नहीं, काम हो जाएगा। थैंक यू। अरे थैंक यू की क्या जरूरत है, सबरवाल साहब के लिए तो मैं कुछ भी करूंगा। okay. और कमिश्नर साहब से मीटिंग कब कराएंगे? अरे मीटिंग की क्यों टेंशन लेते हैं। आधा घंटे के लिए बाहर गए हैं, लंच के लिए जाते हैं, जैसे ही वहां से आए कि आप लोगों की मीटिंग पक्की है, काम हो जाएगा। बिया कॉफी। तुझसे बड़ा बोर नहीं देखा बाय गॉड। बरखा 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 ज्यादा हो गया। चल मिस्टर शेट्टी जी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ये लीजिए आपकी बिजनेस की सारी एनओसीज। थैंक यू सर। आप मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करेगा ये मेरे को मालूम था, लेकिन इतने जल्दी। थैंक यू सर। अच्छा सर आपका फीस? इसकी कोई जरूरत नहीं है, आपके फ्रेंड मिस्टर आजम जी जिनके कहने पर मैंने ये केस लिया है वो मेरे भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। प्लीज डोंट बॉदर। लेकिन सर फीस तो? और रहने दीजिए, एक्सक्यूज मी सर। हेलो। हाँ जी हाँ जी
हम देख लेंगे सर, प्लीज डोंट वरी। फीस सर, आपने हेल्प की ना तो फीस तो बनती है। अरे नहीं सर, सर इसको अपने पास ही रखिए, ट्रस्ट मी इसकी कोई जरूरत नहीं, डैड ने कहा ना बस। ओके, फीस नहीं पर मेरी एक बात तो माननी पड़ेगी, देखिए ना मत कहना। ना ना है? यार ये क्या है, तू कहाँ लेकर आया मुझे? यार ये एक्चुअली अन्ना का बार है। एक्चुअली क्या ना, हम उनसे पैसे तो ले नहीं रहे, तो वो चाहते हैं हम उनके बार में आए 10 मिनट के लिए और उनको थैंक यू होने का मौका दें। बोझ उतर जाएगा उनका। यार गुल्लू तुझे पता ना कि मुझे ये सब पसंद नहीं है? पता है यार, हम कौन सा वहाँ पे तंबू गाड़ने जा रहे हैं। देख 10-15 मिनट के लिए जाएंगे, एक आध भीड़ शेर मारेंगे और चले आएंगे। यार पापा को पता चलेगा तो तुझे पता है क्या होगा। अरे अंकल को कैसे पता चलेगा यार, हम कोई नेशनल टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज देखे जा रहे हैं कि हम वहाँ पे जा रहे हैं। नहीं ना, अरे यार चल ना प्लीज, ये सब छोड़, चल चल चल, आना यार प्लीज। अबे आना, चल। सॉरी सर, आप अंदर नहीं जा सकते। अरे अंदर नहीं जा सकते, क्यों? अंदर प्राइवेट पार्टी चालू है सर। प्राइवेट पार्टी हमारे लिए चल रही होगी क्योंकि हम अरे वो अरे लेकिन हमको अन्ना ने बुलाया है। सर आप नहीं जा सकते, सॉरी। गुल्लू हाँ? यार चलना यार, अभी बोल देना बंद है, चल। अरे क्या चलना, रुकना एक मिनट, अंदर नहीं जा सकते। अरे क्या ना, हम आपके बार के बाहर खड़े हुए हैं लेकिन ये आपका गार्ड हम लोग को अंदर नहीं जाने दे रहा है, कह रहा है कोई प्राइवेट पार्टी चल रही है। वो देखिए छोटे सबरवाल साहब तो नाराज होके गए। अरे आप जल्दी आइए। अरे जतन रुकना। ओहो, अरे अरे नाराज क्यों होता है यार, रुकना। देख अन्ना भी आ गए। सॉरी बाबा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये गद्दा लोग है एकदम, अपने स्पेशल गेस्ट को नहीं पहचाना। आई आई है। अरे अन्ना मैं उनकी वजह से नहीं जा रहा हूँ। अरे किसी भी वजह से, मेरी वजह से, आपको एक बार अंदर तो आना ही पड़ेगी। सॉरी सॉरी, देखो थैंक यू कहने का मौका था तो आई आई। चल ना यार। क्या रे, तेरे को बोला था मेरे दोस्त आने को सकते है स्पेशल गेस्ट करके, फिर भी तू इनको बाहर ब्लॉक किया। सॉरी अन्ना। क्या तू आई, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना। आइए 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 बैठिए। अन्ना बार मस्त है आपका, सब इनका आशीर्वाद है। अच्छा अन्ना हुँ? ये डांस बार्स तो बंद हो गए थे ना, तो फिर बार में डांस बंद हुआ है, पेट का भूख नहीं, और पेट का भूख कौन सा कानून मानता है। और बाहर ये पुलिस वाले, कानून का मजाक है ये। मतलब? मतलब इनको ऑर्डर है इधर नजर रखने का कि डांस तो नहीं हो रहा है। आजकल ये जरूरी है इनके लिए, पर जिधर इनको होना मांगता उधर एक भी साला पुलिस वाला नजर नहीं आता। अभी एटीएम के बाहर कोई पुलिस वाला नजर आता नहीं, बैंक के बाहर, ज्वेलरी शॉप के बाहर, हाउसिंग सोसाइटी के बाहर, पर डांस बार में पुलिस वाला दिखेगा। अरे निगरानी का वास्ते। यार वो सब जाने दो। अरे सुनो, कोई है बाहर? आया साहब। कहिए सर, क्या पियेंगे आप, बियर, रम, विस्की, वोडका? नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं पीऊंगा, थैंक यू। अरे ऐसे कैसे कुछ नहीं सर, कुछ तो पीना मांगता सर। रियली मैं कुछ... करेक्ट। अरे क्या यार, बार में आके अगर कुछ पिया नहीं तो ये तो बार की इंसल्ट है ना। अन्ना मैं बियर ले लूंगा। वेरी गुड, और आप क्या लेंगे? सर मुझे कुछ नहीं। अरे नहीं नहीं, ये भी बियर ले लेगा। वेरी गुड, येरेडू चिल्ड बियर।
ये कैसी कश्मकश है, ये कैसी रह गुजर है, ये कैसी कश्मकश है, ये कैसी रह गुजर है। मैं उलझा हूँ परेशान हूँ, मैं उलझा हूँ परेशान हूँ, हुई क्या मुझसे ऐसी खता, खुदा भी ना दिखे, दुआ भी ना लगे, जहां तक जाए नजरे धुआं ही धुआं दिखे, खुदा भी ना दिखे, दुआ भी ना लगे, जहां तक जाए नजरे धुआं ही धुआं दिखे। देखा उसे? किसे? अरे वही तेरा खरगोश। मुझे देखे तो फट गई थी उसकी। ये सच ना, बड़ा कमीना होता है मेरी जान, बड़े बड़ों की बजार डालता है तो फिर ये छोकरा क्या चीज है। छोड़ उसे। चल बंद कर ताबड़तोब, चल जल्दी बंद कर। अरे तावड़े साहब भड़क ले रहा, सगले टेंशन मध्ये होऊन जाणार वाज लेके दिवस। हां गिरवाद ले, चल ताबड़तोब बंद कर। दो मिनट साहब बस बंद कर रहे। ए समझते नहीं कर, तू समझते नहीं, तू पागल हूं मैं? अरे ऊपर से डंडा है, चल बंद कर जल्दी। अरे तुम लोग थोड़ा जल्दी करो, बाहर मामू लोग बोमा बम मार रहे हैं। चलो चलो, अरे जल्दी करो, चलो बरखा। क्या बुरा लगा ना तेरे को? वो तेरे खरगोश ने तेरे को इधर देख लिया, अब कुछ नहीं लगता। चल एयरपोर्ट चलते हैं। जा भाई उसे। अरे ये बार वालियां किसी की नहीं होती हैं। जो एक बार इन्हें घुसा है ना, साला नंगा होके बाहर आया है। देख दूर रहन सबसे। इधर आ। बोला था ना मैंने, बोला था उससे दूर रहे। अबे तुझे पता भी है तू क्या कर रहा है? अरे नर्क की तरफ जा रहा है यार तू। तेरा आज तेरा कल सब कुछ बजा देगी ये। अबे अपनी रिस्पेक्ट के बारे में सोच, अपने बाप की इज्जत के बारे में सोच, कुछ तो सोच। ये बार वालियां है ना, ब्लाउज में रखती है तू जैसे लड़कों को, समझा? जिसे तू लव समझ रहा है ना, वो लव नहीं है, वो उसका जिस्म है जो तुझे अट्रैक्ट कर रहा है, समझता क्यों नहीं? अबे जिस तरफ तू जा रहा है ना, वहां सिर्फ और सिर्फ बर्बादी है और कुछ नहीं। अरे इतनी छोटी सी बात मुझे समझ में आ गई तो फिर तुझे क्यों नहीं समझ में आ रही है? अरे जतिन, विनीता जतिन कहाँ है? ऊपर अपने कमरे में। जतिन। गुड मॉर्निंग डैड। सुना है तुम कल रात भी घर लेट आए, और आजकल तुम ज्यादातर ऑफिस वाले फ्लैट में रहते हो। बेटे Is everything okay? Yes, Dad. ठीक है, दोपहर को ऑफिस में मिलते हैं। अब
आइए। हाय, इधर आ बैठ। क्या? अरे कितने दिन से देख रही है, तू इधर आता है, कोने में बैठ के ड्रिंक ऑर्डर करता है, मुझे देखता है, कलेक्शन जमा करता है और फिर बिना पिए बिल देके निकल जाता है। अरे क्यों, सामने आके बैठने का ना, जब पैसा खर्चा करता है तो मजा भी पूरा लेने का, नहीं? नाम क्या है तेरा? जतिन। करता क्या है? मतलब धंधा पानी क्या है तेरा? लॉ की पढ़ाई करता हूँ। लॉ बोले तो? वकालत। अरे वाह, वकील है तू? अभी तक बना नहीं हूँ। जब वकालत पढ़ रहा है तो वकील भी बन ही जाएगा, है ना? देख, मैंने तेरे को ये कहने को बुलाया है कि ऐसे चोरों की माफी कोने में नहीं बैठने का, सामने आके बैठने का। तू भी खुश, मैं भी खुश, क्या? क्यों? क्यों बोले तो? मेरी मर्जी, मैं जहां चाहूं वहां बैठूं, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? अरे फर्क पड़ता है, इधर सबको मालूम है कि तू मेरे पे फिदा है, मेरे वास्ते आता है, मेरे को देखने आता है। तो फिर ऐसे कोने में खरगोश के माफिक दुबक के नहीं बैठने का? इसने रखा तेरा नाम खरगोश। अरे सुनो, क्यों मजाक बनाया बेचारे का? यहां आने वाला अपना मजाक खुद बनाता है। देख, मुझे लगता है ये तुझे सचमुच चाहता है बरखा। मर्द सिर्फ एक ही चीज चाहता है मेरी जान, शुरू जाए कहीं से भी करे, पहुंचता आखिर वही है। औरत प्यार के लिए मर्द के साथ सोती है और मर्द सोने के लिए प्यार करता है। ऐसा नहीं है रे, दुनिया मैंने भी देखी है बरखा, आंखें मैं भी पहचानती है। देखा नहीं कैसे दिल आंखों में लिए देख रहा था तुझे। अब कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दिल आंखों में रख के देखे या मां की आंख देखे, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। पैसा मेरी जान, बस पैसा अपना जाने, बाकी सब चीनी काम पानी। चलो उठ फ्लोर पे चले। नमस्ते अन्ना। अरे मिस्टर परफेक्ट, नमस्ते। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अन्ना, आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ तो बैठो ना, बोलो। अन्ना, वो मेरा दोस्त है ना जतिन। हाँ। उसका दिल आया है आपकी एक लड़की पे, वो बरखा। अन्ना, इफ यू डोंट माइंड, क्या वो मेरे दोस्त के साथ एक रात बरखा, मतलब आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं, मर्जी से, अपनी मर्जी से, उसकी मर्जी हो तभी, बाकी कोई जबरदस्ती नहीं है, बाकी पैसा जितना बोलेंगे उतना मिलेगा। तुम्हारा दोस्त अपुन का हेल्प किया, बिना पैसे के किया, दिल से किया, इसलिए अन्ना ने भी टोटल रिस्पेक्ट किया। सेम हेयर अन्ना। पन अभी अपुन की बात सुनने का, ध्यान से सुनने का और अच्छी तरह समझने का। हाँ। पहला बात ये कि मैं इधर बार चलाता है, चकला नहीं। अरे नहीं नहीं अन्ना मैं। और दूसरा बात, अन्ना को मालूम
कि बार डांसर का पब्लिक की नजर में क्या इमेज, बोले तो सबको लगता है कि बार में नाचने वाली हर लड़की रंडी, चमड़ी बेचती, पैसे के लिए किसी के साथ भी सो जाती, पर ऐसा नहीं है। मजबूरी कब किसको कितना गिराता है ये टाइम का बात है, ये बाजार में जरूर है पन बाजारू नहीं। और जिधर तलक बरका को मैं जानता है वो ऐसी लड़की नहीं, पिकने वाली नहीं। सच्ची बोले तो अगर ये बात कोई और मेरे को बोला होता ना तो अपने पैरों पर बार नहीं जाता मैं। वो थैंक यू जी। क्या बात है साला, मेरा शेक कब आएगा? अरे हेमा, रीना, कविता, चलो फ्लोर पे नहीं जाने का है तुम लोग को। ए हीरो, मेरा नंबर कब लगाएगा वो साला? मेरा बुढ़ा बाहर बैठे बैठे कब से मेरा इंतजार कर रहा है। इंतजार करते करते अगर टपक गया ना तो नुकसान तो मेरे गले का होगा ना। साला वैसे ही फटी पड़ी है। इन दो घंटों के अंदर वो साले मामू लोग कभी भी आएंगे और कभी भी बंद करा देंगे। अरे वर्षा, तू काय को इतना टेंशन लेती है? अन्ना का फुल सेटिंग है मामू लोग के साथ, तेरे को कुछ नहीं होएगा, फुल गारंटी देता हूँ मैं। क्यों, पहले भी थी ना सेटिंग? सेटिंग तो थी, पड़ी ना रेड पिछले महीने। ये हेमा, रीना, कविता, हिरनी, सबकी सब एक हफ्ते के लिए थी अंदर। हाँ तो जमानत भी करवाया ना अन्ना ने, सबकी सब बाहर निकली ना। अरे होता है ये कभी कभी। चल छोड़, बुलाता हूँ तेरे को। अरे तुम लोग चलो ना, जल्दी चलो। बरखा, हाँ वो तेरा खरगोश है ना, बड़ा चैप्टर निकला यार। क्यों, क्या हुआ? वो जो मोटू है ना, जो उसके साथ आता था, वो अन्ना के साथ सेटिंग कर रहा था। तेरे को एक रात वो खरगोश के साथ सुलाने के वास्ते। कितना दे सकता है? क्या कितना दे सकता है मेरे साथ सोने के वास्ते? मैं कुछ समझा नहीं। क्यों, क्या हुआ? यही तो चाहता था ना तू, इसी के लिए मरा जा रहा था ना तू, इसी के लिए इतने दिन से इतने ड्रामे कर रहा था। अब क्या हुआ, अब बोल क्यों नहीं रहा, बोल ना। तुमसे किसने कहा कि मैं ये? ए, मेरे सामने ये नाटक नहीं करने का, भोला बन रहा है? कौन भेजा वो मटन की दुकान को अन्ना के पास, मेरे को तेरे साथ रात बिताने का रेट लगाने को? अरे डायरेक्ट आने का था ना, डायरेक्ट आके कहने का था कि तेरे को मेरे साथ सोने का है। साला हिम्मत नहीं है, सबके सब एक जैसे, सबके सब एक ही नस्ल के पशु। क्या लगा तेरे को, मैं इधर बार में नाचती है तो धंधा करती है मैं? हर साला दो दो घंटे फ्लोर पे अपना पसीना बहाती है, कमर तोड़ती है। जितनी बार पैसा लुटता है ना मुझ पर, उतनी बार खुद लुटती है मैं। साला रोज गंदी भूखी नजरों का बलात्कार सहती है, तब जाके कमाती है पैसा, अपनी मेहनत का खाती है। समझा तू? किसने कहा था, किसने कहा यार, मार क्यों रहा है? क्या प्रॉब्लम? किसने कहा था अन्ना के पास जाने के लिए, ऐसी घटिया और गिरी हुई बात कहने को? देख मुझे लगा कि क्या लगा, क्या लगा तुझे? यार मुझे ये लगा कि तुझे वो मिल जाएगी तो तेरे सर से वो प्यार का भूत उतर जाएगा। अब फिर तुझे समझाया भी तो था मैंने। मत समझा मुझे, मत समझा, तू समझ, तू समझ। प्यार करता हूं मैं उससे, चाहता हूं मैं उससे, यार इतनी सी बात तेरे भेजे में क्यों नहीं घुसती यार? और कैसे समझाऊं मैं तुझे, क्या करूं मैं?
ना वो समझ पा रही है और ना तू। मेरी मुश्किलें और मत बढ़ा, दूर रहे मुझसे। लेकिन जतिन, अकेला छोड़ दे मुझे। अंजाम से चाहत की, अंजाम से चाहत की ये अनजान है मौला। अंजाम से चाहत की ये अनजान है मौला, ये इश्क आशिक आशिकी नादान है मौला। यार की एक दीद पे कुर्बान है मौला। ओ निगाहे करम मौला, मन कुन तो मौला, अन्ना को फोन किया था तो उन्होंने बताया तुम यहाँ हो। इनफैक्ट अच्छा ही है, क्योंकि मुझे जो कहना है उसके लिए इससे अच्छी जगह क्या होगी। बरखा, वो एक रात गुजारने वाली बात जो थी उसके बारे में जतिन को, तो मेरी गलती थी, मैंने ही। मुझे क्यों सुना रही हो सब कुछ? ताकि तुम प्लीज जतिन को गलत मत समझो। अरे मुझे इसे समझने की जरूरत क्या है? अलिफ अल्लाह, सदक अल्लाह, नूर अल्लाह, फकत अल्लाह, जमीन से उठाए, फलक पे बिठाए, ऐसी शान करम मौला। कहते हैं यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाता। फहजा अली उन मौला, बस तुम्हारी फोटोज को देख के बातें करता रहता है, वो बातें जो तुमसे नहीं कर पाता है। पूरा दिन बस तुम्हारी याद में रोता रहता है, तड़पता रहता है और इंतजार करता है कि कब रात हो और वो बस तुम्हारी एक झलक देख पाए। एक मिनट, इसे पहचानती हो तुम? ये तुम्हारा रुमाल है, हिमाचल में शायद बस पे चढ़ते हुए ये तुमसे गिर गया था, और ये भी तुम्हारा ही। ये सब ऐसे संभाल के उसने रखा हुआ है जैसे जैसे कोई इंसान अपनी अमानत संभाल के रखता है। बरखा, तुम कौन हो, तुम्हारा क्या बैकग्राउंड है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता है बरखा। मुझे जतिन से मिलना है अभी। जतिन, एक सेकंड डैड। हेलो, एक सेकंड होल्ड कर। जी डैड। बेटे तुम दफ्तर पहुंचो, मैं कमिश्नर साहब के दफ्तर होकर आता हूँ। ओके डैड। ओके, हाँ बोल। अरे कब से तेरा फोन ट्राई कर रहा हूँ यार, देख मैंने सब चेक कर दिया, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तूने क्या किया गुल्लू? अरे वो सब छोड़ो और मेरी बात ध्यान से सुन। बरखा तुझसे मिलना चाहती है। कभी कभी सच को भी अपना वजूद साबित करने के लिए खुद से ही लड़ाई लड़नी पड़ती है, जैसे जतिन के सच को लड़नी पड़ी। पर एक ऐसा सच आज मेरे सामने था जिसे कोई भी झुटला नहीं सकता था, मैं भी नहीं। जतिन का सच, उसके सच्चे प्यार का सच, और अब बारी थी मेरे सच की, जिसे बताने में जतिन से मिलने निकल पड़ी थी। लब पे आए दिल में तू वा, मेरी हंसी मिटा दे, यार से ना मिला दे।
अब खुदा की कसम मौला, यार बना ही डाला तेरे को इस साल की क्वीन। और वो साला मेरा मेंढक बोल बच्चन भारी चाय बिना खारी साला। हेलो बेटी बरखा। अरे बुआ कैसी है तू? कुछ पैसे चाहिए थे। बुआ मैं भेजती हूँ ना पैसा, तेरे को जो भी चाहिए तू ले ले। और वो गोपाल कह रहा था ना कि उसे बाइक चाहिए, उसे बोल कल ही ले ले। तेरे सिवा मेरा है ही कौन मेरी प्यारी बेटी। अरे फिकर क्यों करती है बुआ, इस बार लक्ष्मी माँ ने दिल खोल के आशीर्वाद दिया है। हाँ बुआ। ये रिक्शा वाला भी ना यार कितना लेट करता है। नो शहनशाह। क्या चाचा आज फिर से लेट? सॉरी मैडम। पूरी जिंदगी में अंग्रेजी का एक शब्द सीखा वो भी मेरे पे चिपकाओगे क्या? चलो अब इसको क्या होगा? चलना बरका। आकाश ये हम कहाँ आ गए हैं? टेक इट इजी यार, मैं तुम्हें भगा के तो ले जा नहीं रहा हूं कहीं पर। और वैसे भी कुछ बातें अपनी सही जगह ही अच्छी लगती हैं। कम इसी दिन के इंतजार में अब तक कुछ कह नहीं पाया तुमसे। सोचा जो कहना है वो सही वक्त सही जगह कहना ही ठीक होगा। मैं तुमसे प्यार करता हूं बरखा, उसी दिन से जिस दिन तुम्हें पहली बार देखा था, और उसी दिन से तुम्हारे साथ एक छोटी सी दुनिया बसाने का सपना भी देखा। ये एक छोटी सी दुनिया बनाई है मैंने हमारे लिए, जहां सिर्फ हम होंगे और कोई भी नहीं। इस सब का यह मतलब नहीं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं तो तुम भी मेरे बारे में ऐसा ही कुछ सोचो। मैं तुमसे प्यार करता हूं मेरे लिए इतना ही काफी है। बस मैं वहां बार में तुम्हें सबके सामने नुमाइश बनता नहीं देख सकता। बरखा मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूं। घर की जरूरतें और मजबूरियां हिमाचल से यहां मुंबई ले आई, कहीं कोई काम नहीं मिला। जहां भी गई सबकी नजरों को कपड़ों के अंदर झांकते देखा। फिर किसी ने डांस बार में काम दिला दिया। सोचा जब उन नजरों को झेलना ही है तो इस बार में क्या बुराई है, कम से कम यहां उन नजरों को झेलने के पैसे तो मिलेंगे। हर लड़की की तरह मैंने भी एक सपना देखा था कि कोई मुझे मुझसे भी ज्यादा प्यार करे। शायद वही हो तुम जिसका मैंने आज तक इंतजार किया। बहुत शिकायतें थी किस्मत से, लेकिन पता नहीं था कि किस्मत इस तरह मुझ पर मेहरबान हो जाएगी। पता नहीं आकाश में इस लायक हूं भी कि नहीं, पर मैं पूरी कोशिश करूंगी कि खुद को तुम्हारे प्यार के काबिल बना सकूं। मुझे अपने सपनों में
अपनी जिंदगी में जगह देने का शुक्रिया। खूबसूरत है फिदा दीदार पे तेरे, तू इतनी खूबसूरत है फिदा दीदार पे तेरे, मुकम्मल इश्क हो मेरा जरा सा प्यार तो दे दे, पलक कदमों पे आ झुके हसीन लम्हात वो दे दे, तेरे संग बरसात वो दे दे, तेरे बिना जीना पड़े वो पल मुझे ना दे, तू इतनी खूबसूरत है फिदा दीदार पे तेरे, फिक्र तेरा फिक्र तेरी हर घड़ी दिल में मेरे, पलक कदमों पे आ झुके हसीन लम्हात वो दे दे, तेरे संग भीग जाऊं मैं कभी बरसात वो दे दे, तेरे बिना जीना पड़े वो पल मुझे ना दे, तू इतनी खूबसूरत है फिदा दीदार पे तेरे, पलक कदमों पे आ झुके हसीन लम्हात वो दे दे, तेरे संग भीग जाऊं मैं कभी बरसात वो दे दे, तेरे बिना जीना पड़े वो पल मुझे ना दे, तू इतनी खूबसूरत है फिदा दीदार पे तेरे, मुकम्मल इश्क हो मेरा जरा सा प्यार तो दे दे, पलक कदमों पे आ झुके हसीन लम्हात वो दे दे, तेरे संग भीग जाऊं मैं कभी बरसात वो दे दे, तेरे बिना जीना पड़े वो पल मुझे ना दे, तू इतनी खूबसूरत है फिदा दीदार पे तेरे, तू इतनी खूबसूरत है फिदा दीदार पे तेरे। आकाश को बताया? अरे वो पूना में है, वापस आएगा तो बता दूंगी। अरे कौन सा महीना चल रहा है? तीसरा। अरे पूछ ले, लड़का है लड़की? अबे येड़ी। लड़का है लड़की इसको कैसे मालूम? बच्चा क्या वोटिंग कार्ड लेके पैदा हुआ है क्या? पागल। अरे मेरे को मालूम, मैं खाली इतना पूछना चाहती हूँ कि बरखा को क्या मांगता है, लड़का मांगता है या लड़की मांगती है? जो भी है अपनी बरखा का ही है ना। बरखा का फोन है? हाँ ना। हाँ बरखा, कैसी है तू? अरे अन्ना। अरे कैसी होगी अन्ना? अरे माँ बनने वाली है, खुशी होगी ना? हाँ ये तो है। अन्ना जन्मदिन बहुत मुबारक हो, हैप्पी बर्थडे। तुझे याद था आज मेरा जन्मदिन है? तुम्हारा बर्थडे कैसे भूल सकती हो अन्ना, बाबा का जन्मदिन भी तो आज ही है।
और उन्हें तो बचपन में ही खो दिया। तुम्हें भी हमेशा बाबा को देखा है। और अपने बाबा का जन्मदिन कैसे भूल सकती है बरखा? अपना ख्याल रखना। क्या यार, पहले क्यों नहीं बताया कि अन्ना का बर्थडे है? वैसे अपने लिए तो अच्छा है। तेरे माँ बहन की खुशी में और अन्ना के हैप्पी बर्थडे के लिए एक के ऊपर एक ऑफर मुफ्त मुफ्त। अपने लिए तो पहले। क्या बात कर रही है? और ये देख मेरा नया फोन। दिखा। तू भी जिद्दी का जिद्दी ही रहेगी। बोला था ना तेरे को ऐसी हालत में आराम करने का था ना घर पे। क्या? अरे पर तूने तो अभी फोन लिया था ना। हाँ। ये भी एकदम हाई फाई चलाना आता है? अरे डांस भी किधर आता है, चला रही है ना, ये भी चलाना सीख जाएगी। वो अंकल है ना कपड़े की दुकान, मेरे को बोलता है मधु तेरा फोन बहुत बिजी आता है आजकल, ये ले नया नंबर, ये ले नया फोन, तेरे साथ रात भर लंबी बातें करेगा। ये भी ना। चलो चलो चलो, बर्थडे है, केक काटेंगे अन्ना का। अरे इसका क्या जरूरत था? सबके लिए ठंडा लेके आता हूँ। अरे तू भी ना। ए कोई अपनी जगह से लगा नहीं। ए डोंट मूव डोंट मूव। ए चलो जो जहाँ पर है वहीं पर बैठ जाओ, कोई अपनी जगह से लगा नहीं। साइड में उनको, साइड में उनको सबको। अन्ना अन्ना पुलिस पुलिस, चलो 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 निकलो निकलो, मधु उठ चल, भाग। मैं क्या बोल रहा था साहब? साहब साहब इसको छोड़ दो साहब। क्या साहब, ये इधर की लड़की नहीं है, मिलने आई थी खाली हम लोगों से। ए, ये लड़की इधर की नहीं है? हाँ पिछले 5 साल से ठुमक रही है इस बार में, और तू बोलती है इस बार की नहीं है, क्या चूतिया समझी मेरे को? नहीं साहब, ती है इधर डांसर। हाँ लाइन छोड़ दी इसने अभी। अच्छा, शादी करके सेटल हो गई है, खाली मिलने को आई थी मेरे बर्थडे के वास्ते। हाँ क्या बात है अन्ना, आज तेरा बर्थडे और तू बोला तक नहीं। अरे आज के बदले कल रेट डालते थे ना, खाली पीली तेरा बर्थडे खराब कर दिया ना। चल 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 पुलिस स्टेशन में चल के तेरा बर्थडे मनाते, क्या तावड़े? बनता है ना साहब, पुलिस का सगे वाला जो है। और सुन अन्ना, केक हमारी तरफ से। हाँ चल मैं चलता है ना। चल साहब लड़की को जाने दो। अन्ना दिमाग खराब मत कर, चल अंदर है उसका। चल चल अंदर, चल टेंशन हो जाएगा। तावड़े बंद कर, मैं साहब इसको जाने दो साहब। हाँ साहब। सर मैं क्या बोल रहा हूँ, काई को आई गलती हो गई साहब, आगे से ऐसा नहीं होगा साहब, जाने दो ना सर। शादी हो गई? जी सर शादी हो गई। हाँ हो गई ना सर। घर वाली घर पे और तू बार में, घर की दाल छोड़कर क्या खीर खाने गया था बार? अरे शादीशुदा आदमी की भी कोई जिंदगी होती है क्या साहब? क्या नहीं मतलब सर, सर मतलब शादी के बाद आदमी आदमी नहीं रहता, एटीएम मशीन बन जाता है। फरमाइश डालो पैसा निकालो, फरमाइश डालो पैसा निकालो। अपन भी तो इंसान है ना साहब, छुट्टियों में पिछली बार मनाली ले गया तो बोली गोवा चलो, गोवा ले गया तो बोली भोपाल। घर में घुसते ही सर टर 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 टर। जानता हूं सर, बार वाली का सब झूठा, उसका नाचना उसका मुस्कुराना सब झूठा है, पर सर जब उनमें से कोई पास आकर ये पूछती है ना कैसे हो, अच्छा लगता है। मैं जाऊं सर? ज्यादा शाना बन रहा है, उतरी नहीं अभी तक।
और तेरा क्या है? तू भी बीवी के बोझ का मारा बैठा पी रहा था क्या बार में? मेरी तो शादी नहीं हुई साहब। तो क्यों गया था बार में? इसीलिए तो गया था साहब। चाहिए सब सब अभी हम जाएं। ये तो अच्छा है कि आज मेरी ड्यूटी थी। इधर इधर से निकलो। हाँ चल निकल चल निक साहब। मैं साहब उसको जाने दो साहब। बाकी आप और मैं मिलकर यहाँ पे निपटा लेंगे ना सर। सब जो चाहेगा वो मिलेगा। इतना सालों से इधर बार चला रहा है, आज तक किसी साहब को शिकायत का मौका नहीं दिया। बन उसको जाने दो साहब। बाकी सब है ना इधर। नहीं रे अन्ना, नहीं जाने दे सकता। बात समझ। ये देख, तेरा और सावन साहब का पुराना सेटिंग है करके तेरे बार पर रेड डालने का ड्रामा किया। लेकिन कभी बड़ा नुकसान किया तेरा? नहीं ना। कभी किसी को पकड़ा? नहीं। कभी तेरे खिलाफ केस बनाया क्या? नहीं ना। अन्ना बात समझ, ऊपर से डंडा आया है। ये सब नेता लोगों की खुजली है। इलेक्शन आया है ना, लोगों का अटेंशन खींचने के लिए ऐसा ड्रामा करके उनका ध्यान बटा रहे हैं। लोगों के वास्ते करना कराना तो कुछ नहीं है, बस सिर्फ ड्रामे करते रहो। और तू तो सब जानता है ना। ये देख, ये सोशल सर्विस वालों को आगे करके तेरी और मेरी बचा रहे दोनों की। बात मेरे हाथ में नहीं है अन्ना, नहीं है मेरे हाथ में। हां फिर भी कुछ भी करके तेरे स्टाफ को मैं छोड़ सकता हूं, लेकिन लड़कियों को नहीं। अच्छा नहीं। अरे इन हरामी लोगों ने खुद लिस्ट बनाई है, तेरे होटल की एक एक लड़की का नाम है उसमें। एक भी लड़की इधर उधर गई ना तो मेरी तो नौकरी गई। साहब कोई तो जुगाड़ होगा, कुछ करो ना साहब। बस इसको जाने दो अन्ना, आपका ये एहसान सारी उम्र नहीं भूलेगा। हाथ जोड़ता है मैं। तो तू ये लाइन छोड़ चुकी है? हाँ। कितना टाइम हुआ छोड़े? 6 महीना। अभी क्या करती है? घर पे रहती है। पगार पे है? बीवी है उसकी। बीवी? फंसा लिया किसी को? बहुत अच्छा। क्या करता है मरद तेरा? ए, तेरे से पूछ रही। वो मालूम नहीं। मरद तेरा है या पड़ोसी का? हाँ मालूम नहीं क्या करता है। भगवे साहब। हाँ? सुना आपने, ये लोग तो कह रहे हैं कि लड़की निर्दोष है, गलती से पकड़ी गई। अरे इसे तो ये भी नहीं पता कि इसका मर्द करता क्या है। अच्छा। साहब नाटकबाजी है। जब कोई पति वती है ही नहीं तो फिर बताएगी कैसे कि करता क्या है। मैं खूब अच्छी तरह से जानता हूँ इन साली रंडियों की जात औकात। धंधा करती है सीना खोल के और पकड़े जाने पर बन जाती है कुल वधु। रंडी नहीं बोलने का साहब। क्या बोली? रंडी नहीं बोलने का साहब। बार वाली थी मैं, नाचती थी, धंधा नहीं करती थी। हाँ तो क्या फर्क है बार वाली और धंधे वाली में? वही फर्क है साहब जो आपकी बीवी और काम वाली पाई में। एक रात को आपका बिस्तर गर्म करती है, दूसरी वही बिस्तर सुबह आके ठीक करती है। दोनों अपना अपना काम करती है, धंधा नहीं करती। तेरी मार की साली। अरे साहब अरे छोड़ मुझे साली। दो कोड़ी की बार वाली मेरी बीवी की बात करती है? बीवी तो मैं भी है किसी के साथ, पर वो शरीफ आदमी है। उसके सामने का होता ना तो चीर के दो कर देता। हाँ तो बुला ना उसे, बुला, सामने आके बात करे ना। तू तो गई साली कुतिया, जेल में सड़ सड़ के मरेगी तू। नंबर मिला मैडम। बोल। 9308008181 आकाश नाम है उसका। हेलो आकाश। यस स्पीकिंग, हु इज दिस? देखिए मैं अंजलि लंबोले हेड कांस्टेबल बोल रही हूँ। ओके आई एम लिसनिंग। हमने एक ऑर्केस्ट्रा बार में रेड डाली थी, जहाँ हमने कुछ लड़कियों को डांस करते हुए और अश्लील हरकतें करते हुए पकड़ा, जिनमें से एक लड़की है जिसका नाम है क्या नाम है तेरा? बरखा।
बरखा। बरखा? उसकी शिनाख्त के लिए आपको थाने में आना होगा। नहीं, मैं इस नाम की किसी भी लड़की को नहीं जानता। ये क्या कह रहे हैं आप उसके हस्बैंड है ना? हस्बैंड? क्या बकवास है? बकवास? वो तो कह रही है कि आप उसके हस्बैंड हैं। I'm still single. Single? ये क्या कह रहे हैं आप? और बरखा नाम की किसी नॉर्मल लड़की को मैं नहीं जानता, ये तो फिर भी कोई बार वाली है। I'm sure it's just some big misunderstanding. उसका तो यही कहना है। वो जो मर्जी बोले मैडम। मगर ये तो बार बार यही कह रही है। उसके कहने से क्या होता है मैडम, मैं ऐसी किसी लड़की को जानता ही नहीं। हाँ, और ये जो लड़की है, क्या नाम बताया आपने इसका? बरखा। बरखा को कहीं से मेरा नंबर मिल गया होगा, जिसे ये खुद की जान बचाने के लिए मिसयूज कर रही है। ए? क्या बोला बे तू? तू बरखा को नहीं जानता? अब ये कौन है? तेरी अम्मा साले हरामी। कौन था वो जो बार में घंटों बैठ के लार टपकाता था इसको देख के? हाँ, और साला वो कौन था जो उसको शादी का लड्डू दिखा के फ्लैट में ले गया, मजे किया, बीवी की तरह रखा, और अब जब दुनिया के सामने आने का टाइम आ रहा है तो साला पिछवाड़ा दिखा रहा है? मेरे को तो पहले से ही इस पे यकीन नहीं था। मैं फोन रख रहा हूँ। अबे रख के दिखा साले कुत्ते, जहाँ खड़ा है ना वहीं आके पेट फाड़ के तेरी अतलियां निकालूंगी हरामजादे। पता है ना कि साला चूतिया बनाने के लिए बार वाली से ज्यादा येड़ी कहाँ मिलेगी? सपने जो देखते हम लोग, घर का, शादी का, पति का, इज्जत की रोटी का, बस आओ सपने सच करने की चाबी घुमाओ और कर लो जो कर रहे। यही किया ना तूने बरखा के साथ, पर ये येड़ी, इसे लगा किस्मत बदल गई। अरे हम बार वालों की किस्मत भी रात को 11 से 2 के बीच ही चमकती है। दिल की जगह दिमाग से सोचती तो तू जैसे कुत्ते के चक्कर में नहीं पड़ती। अरे अपने सब कुछ नहीं लुटा देती तो जैसे घटिया आदमी के बच्चे की माँ नहीं बनती है। अरे पेट से है, पेट से, 2 महीने के पेट से। अभी भी कुछ शर्म और इंसानियत बची है ना, तो आ जा, आगे संभाल ले इसे। मैं इस नाम की किसी भी औरत को नहीं जानता। Is that clear? फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा कल क्या था बरखा, फर्क पड़ता है तुम्हारा आने वाला कल कैसा हो, और फैसला तुम्हारे हाथ में है। और रही मेरी बात, मैं तो वो लाइलाज बीमारी हूं जो तुम्हारी जान जाने से ही छूटेगी। Thank you.
जिस्म हूँ तू है मेरी रूह तुझे हुर की उशाबत मैं दूँ Son. God bless you, my son. Thanks, Dad. मैं बस घर ही आ रहा था आप लोगों से मिलने. झूठ. बरखा. राजू इन्हें गेस्ट रूम में ले जाओ. जी आइए. अंकल काफी लेट हो गया. नहीं मैं चलता हूं. गुड नाइट. जतिन बेटे ये सिर्फ सवरवाल फैमिली की रेपुटेशन का सवाल नहीं है. इट्स अबाउट यू बेटे, योर लाइफ, योर फ्यूचर. लोग क्या कहेंगे ये तो बात की बात है, बट द पॉइंट इज कि तुम इस रिलेशनशिप को कैसे सस्टेन कर पाओगे. एक बच्चे की माँ है वो जतिन, और ये तो देखो कि उसका प्रोफेशन क्या है, कहाँ से आई है वो, और क्या माहौल था उसका. नहीं जतिन, ये प्यार नहीं नादानी है. प्रैक्टिकली इट्स नॉट वर्थ. व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड.
I understand, Mom. I completely understand. पहले लगा कि शायद आप लोग मुझे समझ पाएंगे. At least, Dad तो मुझे समझ पाएंगे. No problem. समझ सकता हूँ ये आप लोगों के लिए कितना difficult है. पर मामा, please tell me, क्या करूँ मैं? I love her. प्यार करता हूँ मैं उससे. नहीं रह सकता मैं उसके बिना. पर मैं आप दोनों से भी बहुत प्यार करता हूं. एंड डैड, हो सकता है आप ना कहेंगे तो मैं मान भी जाऊं, पर इन सासों का क्या करूं डैड, जो बरखा के बिना एक पल भी चल नहीं पाएगी. तुम हमें इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हो जतिन. तुम विनीता, एक मिनट. सुनी सुनी इसकी बात, पागल हो गया है ये लड़का. प्लीज बेटे, अगर तुम्हें लगता है कि जो कुछ भी तुम कर रहे हो वो सही है तो ठीक है, मगर एक शर्त है, इंडिया में इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए. मैं तुम दोनों को फिजी सेटल करवा दूंगा. इज दैट ओके? थैंक यू डैड. मॉम, थैंक्स डैड. ये आपने क्या कह दिया? ऐसे कैसे कर सकते हैं आप? विनीता, इसे बेवकूफी कहो या उसकी उम्र की नादानी, ऐसे वक्त में उसे कुछ भी समझाना बेकार है, वो नहीं मानेगा. अब तो बस एक ही है जो उसे समझा सकता है. सुनिए, लगेज आ गया है. तुम जल्दी आ जाओ बेटे. Dad, I've just landed. Don't worry, Dad. मैं आ गया हूँ ना. I'll take care of it. Waiting for you. See you ना बेटे. Bye. चलें? हाँ. Come on, let's go. चलो. Come on, kids. हाँ दिबाकर. जी मैम. मुझे राइटर पंछी की सारी डिटेल्स चाहिए. आई रिपीट, कंप्लीट डिटेल्स चाहिए, कुछ छूटना नहीं चाहिए. जी जी मैम, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ. अरे साहब आ गए. मैम साहब, कैसा छोटे? मैं ठीक हूँ, चलिए. भैया क्या हो गया बड़ा? वेट इंक्रीज कर लिया आपने? देखो बेटा, ये सुखी जीवन की निशानी है. मॉम डैड ने शादी करा दी, हम एंजॉय कर रहे हैं. ओ भाभी. भैया जरा देखिए तो सही, भाभी हमसे कितना प्यार करती है. सेम सेम कलर. क्या बात है. डैड कहाँ है? वो अंदर तुम लोगों का इंतजार कर रहे हैं. अच्छा चलिए फिर, मैं बच्चों को लेकर आती हूँ. जी आओ बच्चों. ट्रिप कैसा था? बहुत बढ़िया. डैड कहाँ है? डैड, डैड, डैड. आकाश बेटे. डैड कैसे हो बेटे? गुड डैड. पैरी पाना डैडी जी. चलो बेटा, पहले फ्रेश हो जाओ, बाद में बातें करेंगे. ना 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 माँ, फ्रेश फ्रेश सब काम बाद में. पहले मैं उस लड़के से मिलना चाहूंगा जिसने मेरे भाई की जिंदगी में खलबली मचा रखी है. डैड ने तो उसका नाम तक नहीं बताया. चलो हम खुद ही पूछ लेते हैं. चलो. बड़े हो गए यार तुम. I'm very happy. आइए. कहाँ है? भाई यहीं पर तो थी, माँ के कमरे में होगी. ओके. I'll just go check. ओके. Okay.
और बरखा नाम की किसी नॉर्मल लड़की को मैं नहीं जानता। ये तो फिर भी कोई बार वाली है। ए बी सी किथे गया सी, लड़ो लड़ गया। नेहा उठो, नेहा बच्चों को लो, राजू सामान गाड़ी में डालो, जाए। I'm sorry, I have to go, I have to leave. I'm sorry, Dad. I have to leave. आकाश, क्या बात होगी आकाश? अभी भी आए और चल दिए? आकाश, आकाश बेटे, अरे रुको तो सही, हुआ क्या बेटे? I'm really sorry, बहुत important client है, मेरा जाना बहुत जरूरी है, I have to go. Driver. जरूरी नहीं होता तो कैसे जाता मैं जल्दी वापस आता हूँ, अभी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। I'll call you, I'll call you dad. चलो गाड़ी बैठो। Dad, क्या हुआ? पता नहीं बेटे, he's leaving. चलो क्या हुआ? हमारा फैमिली एल्बम आया मां। मैं इस नाम की किसी भी औरत को नहीं जानता। इस दाग किया उस दिन मैंने सिर्फ जतिन को ही नहीं खोया, जिंदगी से जुड़ी हर उम्मीद, हर सपना, हर एहसास खो दिया। क्या कहती मैं जतिन से, क्या बताती उसे? मेरा एक सच कितनी जिंदगियों में अंधेरा कर देता। मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। इतनी जिंदगियों को अंधेरे में डालने से अच्छा था कि मैं ही उनकी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाऊं, और यही मैंने किया। उस दिन मैं टूट गई थी, बिखर गई थी, जिंदगी बहुत भारी भारी सी लगने लगी थी। मैं मर जाना चाहती थी और शायद मैं ऐसा ही करती भी अगर एक नन्ही सी जान का ख्याल नहीं आया होता। दर्द का है सिलसिला, सीने में गम बेशुमार है, दर्द का है सिलसिला, सीने में गम बेशुमार है। चली कहाँ गई वो? पल ही में कैसे सौ ख्वाब हैं टूटे, रब्बा पल ही में कैसे सौ ख्वाब हैं टूटे। डैड मुझसे अनजाने में ये गलती हो गई, आई एम रियली वेरी सॉरी। आकाश कहाँ गलत थी मैं? क्या आकाश जैसे इंसान पर भरोसा करना मेरी गलती थी, या जतिन के सच्चे प्यार को गले लगाना मेरी गलती थी? लगता है मेरे और भगवान के बीच वो लाइन ही कटी हुई है जिस पर वो लोगों की सुनता है। उसके कानों तक तो कभी मेरी आवाज़ पहुंच ही नहीं पाई, या शायद उसने मेरी कहानी का यही अंजाम सोचा था। आज जब पलट कर देखती हूँ तो सब कुछ धुंधला धुंधला सा नजर आता है। वक्त की धूल ने सभी चेहरे अजनबी से, अनजान से कर दिए, पर वो चेहरा आज भी उतना ही साफ है जिसकी आंखों में मैंने कभी सच्चा प्यार देखा था, मेरे खरगोश का चेहरा। मैं जानती हूँ कि ये कहानी अधूरी है, और शायद कुछ कहानियों का अधूरापन ही उनका अंत होता है। सब कुछ तो कभी पूरा नहीं होता, पूरा भी कहीं अधूरा ही रह जाता है। कमिन मैम, ये लीजिए डिटेल्स। थैंक यू।
This is a very rare case. न जाने इन्हें कौन सा सदमा लगा था कि इतनी कोशिशों के बाद भी इनका पैरालिसिस ठीक नहीं हो सका और अब ये सीवियर हार्ट अटैक. आई एम सॉरी. जतिन, बरखा का एड्रेस मिल गया. I'm sorry. हिमाचल में एक छोटा सा गांव है, रतनपुरा, बंगला नंबर 10. ये पता मिला है बरखा का. और हैरानी की बात यह है कि अक्स बरखा ने नहीं, मधु ने हमारी पब्लिकेशन को भेजी थी. दिबाकर ने मधु से बात की और पता चला कि मधु चाहती थी कि बरखा की कहानी दुनिया भी जाने, जबकि बरखा ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी. पर मधु का कहना था कि अब बरखा का सच सामने आ भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी कहानी तो हमेशा के लिए अधूरी रह ही गई. मतलब बरखा नहीं. गुलू शट अप, कुछ भी बोलता है. काहे वीरा आके हैरा लब पे आए दिल में तूफान, मेरी हंसी ती मिटा दे यार से ना मिला दे. अब खुदा की कसम मौला मन तुम तो तेरी शान करीमी पे नजर जाती है, जिंदगी कितने मराहिल से गुजर जाती है. बेसबब मुझको दिए जाता है तेरे वाला, मांगता भी नहीं झोली मेरी भर जाती है. तेरी शान निराली है मौला, तेरी शान निराली है मौला, तेरी शान निराली है मौला. मेरा यार मिला दे या मौला, चाहे हंसती मिटा दे या मौला. मेरा यार मिला दे या मौला. मने तुमको मौला, मने तुमको मौला, मने तुमको मौला, मने तुमको बरखा. विमला देवी के श्राद्ध के निमित्त में पितरों की यह पूजा कर रहे हैं. मम्मा, एक बार कहा तो होता, किसी भी खानदान की इज्जत किसी भी औरत की इज्जत से बड़ी नहीं हो सकती.
और मैंने तुमसे कहा था मैं वो लाइलाज बीमारी हूं जो तुम्हारी जान जाने से ही छूटेगी। Come, 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 man, I'm number one.